हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मेरिटोरियस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1.4 एक्सरसाइज के कंसेप्ट की। अच्छा, कल एक स्टूडेंट का मुझे कमेंट आया था, कल वाली जो वीडियो है उसमें कमेंट ये आया था कि हम पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व ना किया करें, बल्कि जो उसमें टफ क्वेश्चन हो सकते हैं या फिर जब आप कंसेप्ट समझाते हैं तो ईच एंड एवरी कंसेप्ट पर कुछ क्वेश्चन करा दीजिए ताकि एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करें। तो इस चीज़ को मैंने भी थोड़ा सोचा और दिमाग में लिया कि हाँ, ये तरीका बहुत अच्छा रहेगा कि कंसेप्ट को समझाते टाइम उसको डीपली समझाते हुए कुछ क्वेश्चंस हम ले लें और उनको सॉल्व करें ताकि आप खुद एक्सरसाइज करें। और उसने फिर इसका एक वैलिड रीज़न भी दिया कि एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस तो हमें बहुत सी जगह पर मिल जाएंगे, इस वजह से हमें एक्सरसाइज को पूरी सॉल्व नहीं करना चाहिए। तो ये वैलिड रीज़न भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो इसके लिए अभी हम क्या करेंगे, हो सकता है कि अभी तो मैं 1.4 के पूरे कंसेप्ट करवा दूं, पूरे क्वेश्चंस करवा दूं 1.4 एक्सरसाइज के। जब 1.5 एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे, जब ऐसा करना शुरू कर देंगे हम कि जो क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जांपल में से लेकर एनसीईआरटी के या फिर एक्सरसाइज में से लेकर जिन्हें मुझे करवाना चाहिए वो मैं करवाऊँगा। अब आप बताइए आपकी क्या राय है, जो व्यूवर्स है जो देखते हैं अच्छे से और जिन्हें जो अभी अच्छे से पढ़ रहे हैं, आप लोगों की क्या राय है कि हमें इस टाइप से आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। ये तो मुझे बेस्ट वे लगा, अच्छा कमेंट था जिसका भी था, पता नहीं कौन सा स्टूडेंट था, वो शायद कुछ राजपूत करके उनका नाम था। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट। आप जो भी आपको जो है लग रहा हो आगे कि हमें इस टाइप का चेंज करना है तो प्लीज़ कमेंट करके आप सब लोग बता दीजिए कीजिए। तो उसमें जो भी रहेगा, जो भी पॉसिबिलिटी रहेगी, बेस्ट पॉसिबल रहेगा, हम उसको करने की कोशिश करेंगे। तो अभी तो हम 1.4 एक्सरसाइज करते हैं और शॉर्ट एंड स्वीट वे में इस 1.4 एक्सरसाइज को करवाने की मैं कोशिश करता हूँ आपको। और उसके बाद फिर हम जो है सेट चैप्टर लगभग थोड़ा बहुत ऐसे ही हम करेंगे एक्सरसाइज वाइज, बाकी के जो चैप्टर्स हैं उसको एक्सरसाइज वाइज ना करते हुए कंसेप्ट वाइज कर उसके वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन करेंगे ताकि उसमें पढ़ने में भी आपको इंटरेस्ट आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1.4 एक्सरसाइज। तो 1.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द यूनियन। अब आप यूनियन इन सब का निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है। यूनियन में मैंने आप लोगों को बताया था कैसे यूनियन निकालते हैं। तो एक काम करते हैं, इसमें मैं कोई एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। इसमें हम क्वेश्चन ले लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन जो है फर्स्ट का थर्ड, इसका हम यूनियन निकालते हैं। तो फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है कि x such that x is a natural number and multiple of 3, natural number and multiple of 3, x such that x is a natural number less than 6। तो जो पहला हमें जो दिया हुआ है a सेट, हमें ये दिया हुआ है कि एच सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ, यानी कि 3 का टेबल हमें लिखना है बेसिकली। तो 3, 6, 9, 12, क्योंकि कुछ लिमिटेशन, कुछ बाउंडेशन हमें नहीं दिया हुआ है, इस वजह से हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। अब सेट बी में हमें दिया हुआ है कि 1 से लेकर 6 तक सारे ही हमें नेचुरल नंबर, लेस देन सिक्स मतलब 6 से नीचे यानी 5 तक हमें सारे ही नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, ओके। अब इन दोनों का यूनियन निकालना है, तो आप सोचिए इन दोनों का यूनियन आ जाएगा 1, 2, यहाँ से कॉमन हो जाएगा 3, 4 और 5, ओके। उसके अलावा तो कुछ आ नहीं सकता। आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ए के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ए यूनियन बी, व्हाट विल बी इक्वल टू ए यूनियन बी, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 9, 12 एंड सो ऑन, ओके। तो इस टाइप से ये यूनियन हो जाएगा इसका। होप कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ आया होगा, ओके। यूनियन का कंसेप्ट तो मैंने बता दिया, तो बहुत सिंपल होता है यूनियन का कंसेप्ट। अब बाकी के मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप कर लेंगे इन्हें, ओके। फोर्थ वाला भी हो जाएगा, फिफ्थ भी हो जाएगा, बहुत सिंपल है। सेकेंड हम क्वेश्चन देखते हैं, लेट ए इज़ इक्वल टू ए बी, बी इक्वल टू ए बी सी, इज़ ए
सबसेट ऑफ बी, बिल्कुल ए सबसेट ऑफ बी है बिल्कुल। व्हाट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी आपको निकालना है तो बड़ी आसानी के साथ आप निकाल सकते हैं, तो इसको भी मैं स्किप कर रहा हूँ। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बड़ा समझने का भी है, इसको अच्छे से आप समझिए। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इन्फॉर्मेशन हमें ये दी हुई है कि ए एक सेट है, बी एक सेट है, और ए हमें दिया हुआ है कि बी का सबसेट है, तो हमें निकालना है व्हाट विल बी द ए यूनियन बी, है ना। यही निकालना है कि ए यूनियन बी क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। ओके, तो अगर हम गौर करें, ए सबसेट ऑफ बी का मतलब ये है कि ए एक ऐसा सेट है जिसको बी में से निकाल कर बनाया गया है, मतलब बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद है, तभी तो ए सबसेट ऑफ बी हुआ है। अब जब हम गौर करेंगे ए यूनियन बी में बी को निकालने की, तो ए के तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, इसका मतलब बी के भी वही एलिमेंट्स आ गए जो ए में थे, और बचे हुए बी के भी एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए यूनियन बी हमें जो मिलेगा अल्टीमेटली वो सेट बी मिलेगा, अल्टीमेटली हमें ए यूनियन बी जो मिलेगा सेट बी मिलेगा। नहीं आ रहा है समझ में, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं क्विक। चलिए मान लीजिए मेन सेट जो था हमारा वो बी था, और उसमें मैं ज़्यादा नहीं 1 2 3 4 एलिमेंट ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, और ए एक ऐसा सेट है जो बी का सबसेट है, मतलब बी में से निकाल कर बनाया गया है। तो अब एक काम करते हैं, ए एक सेट बनाते हैं जो कि बी का सबसेट हो, तो कोई भी अपन एलिमेंट्स निकाल लेते हैं, इसमें से दो एलिमेंट्स निकाल लेते हैं, 2 और 4। ओके, अब इसका यूनियन निकालते हैं ए यूनियन बी। तो आप गौर करेंगे ए यूनियन बी में 1 2 3 4 ये एलिमेंट्स आएंगे। अब इसको गौर करेंगे तो एक्चुअल में ये तो बी है, इसका मतलब दिस विल बी इक्वल टू बी। मतलब अगर कोई एक सबसेट होता है दूसरे सेट का, तो जब यूनियन निकाला जाता है तो जिसका भी वो सबसेट होता है वही आंसर में आ जाता है एज अ रिजल्ट यूनियन। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इक्वल टू 3 4 5 6, सी इक्वल टू 5 6 7 8, डी इक्वल टू 7 8 9 10। फाइंड ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, ये सारी सब कुछ आप निकाल लेंगे उम्मीद कर रहा हूँ। इसमें से कुछ एक पार्ट मैं कर देता हूँ यहाँ पर, सब यूनियन वाले हैं वैसे, बहुत सिंपल है, मैं इसका एक लास्ट पार्ट कर देता हूँ जो कि बी यूनियन सी यूनियन डी है। ओके, तो बी यूनियन सी यूनियन डी में हमें क्या करना है, बी यूनियन सी यूनियन डी में हमें बी सी डी के सारे एलिमेंट्स लिखना है कंबाइन कर विदाउट रिपीटेशन। अब हम बात करें अगर, तो आ जाएंगे आपके 3 4 5 6, अब 5 6 तो आ गए, 7 8 वो भी आ गए, तो 9 10। अब सारे ही एलिमेंट्स हमने बी सी और डी में जो पॉसिबल हो सकते हैं वो सब मैंने लिख दिए हैं विदाउट एनी रिपीटेशन। तो ये क्वेश्चन नंबर, इसका जो भी पार्ट है, ये 7th पार्ट है 4th का, ये कंप्लीट हो चुका है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रहना चाहिए, बहुत सिंपल है। आगे चलें हम, चलिए आगे चलते हैं। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 अबव। अब इनके हमें इंटरसेक्शन निकालना है। ओके, ईच पेयर ऑफ सेट के इंटरसेक्शन निकालना है जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है। ओके, तो ईच कौन कौन से पेयर बन सकते हैं, सबसे पहले तो हम देखें, एक तो ए इंटरसेक्शन बी बन सकता है, एक बी इंटरसेक्शन सी बन सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम यहाँ यहीं से ले सकते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वहीं से ले सकते हैं, बस यूनियन की जगह हम इंटरसेक्शन लगा देते हैं। तो इसका भी कोई दो पार्ट हम कर लेते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 है ये, हमें इंटरसेक्शन निकालना है, और इसके हम कर लेते हैं कोई दो पार्ट, एक पार्ट तो कर लेते हैं बी इंटरसेक्शन डी का, चलो बी इंटरसेक्शन डी का पार्ट कर लेते हैं। अब बी और डी में कौन से कॉमन एलिमेंट हैं, गौर करेंगे 3 4 5, और डी में 7 8 9 है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं रहेगा, मीनिंग इट्स अ 5,
ये एक फाइल सेट बनेगा। ओके, अब क्या कर लेते हैं, हम सी यूनियन सी इंटरसेक्शन डी निकाल लेते हैं। चलिए, सी इंटरसेक्शन डी जब निकालेंगे तो 7 और 8 आएगा, ये दो ही कॉमन है नंबर सी और डी में, तो 7.8। ये दो पार्ट मैंने निकाल कर बता दिए हैं, और भी आप निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 3 5 7 9 11, बी इक्वल टू 9 7 9 11 13, सी इज़ इक्वल टू 11 13 15, डी इज़ इक्वल टू 15 17, फाइंड। हमें ये सब कुछ निकालना है। अब हम इसमें से कोई जो पार्ट मुझे लग सकते हैं कि मुझे करवाना चाहिए वो कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, इसका 6th वाला पार्ट सबसे पहले हम करते हैं। ओके, तो 6th वाला पार्ट हम इसमें पहले करते हैं। तो 6th पार्ट में अगर हम देखें तो हमें पूछा गया है, हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो पहले हम निकालेंगे यहाँ पर बी यूनियन सी को, उसके बाद में उसका इंटरसेक्शन ए के साथ में करेंगे। तो व्हाट विल बी द बी यूनियन सी, अगर बी यूनियन सी हम देखें तो बी यूनियन सी में जो एलिमेंट आएंगे वो आएंगे 7 9 11 13 और 15। इसका इंटरसेक्शन हमें निकालना है ए के साथ, तो ए के एलिमेंट्स जो हैं वो 3 5 9 7 9 11, 3 5 7 9 11, तो इसमें 7 9 11 तो कॉमन है, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 7 9 और 11। यहाँ पर मैं ए लिख देता हूँ, ए सेट लिख देता हूँ, कन्फ्यूज़न अगर आपको हो रहा हो तो, 3 5 7 9 11, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स दोनों में कॉमन है, तो इसलिए इसका इंटरसेक्शन ये हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहना चाहिए आपको। अब इसका लास्ट पार्ट हम कर लेते हैं, 9th पार्ट, जो कि वो भी एक सिंपल पार्ट है, बट उसमें हमें पहले दो का यूनियन निकालना पड़ेगा, फिर उन दो का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो हमें पूछा गया है कि आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, जी हाँ, सब में इंटरसेक्शन निकालना, यूनियन नहीं निकालना, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो हम ये निकाल लेते हैं सबसे पहले। अब अगर आप गौर करेंगे तो इसमें हम ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकाल सकते हैं, तो ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं आप देख रहे होंगे, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है 7 9 11 है, तो ये सेट बन गया हमारा 7 9 11, विच वी हैव टू फाइंड द इंटरसेक्शन विथ बी यूनियन सी। बी यूनियन सी में आ जाएंगे आपके एलिमेंट्स 7 9 11 13 एंड 15। ओके, ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब इन दोनों का हमें निकालना है इंटरसेक्शन, व्हाट विल बी द इंटरसेक्शन, द इंटरसेक्शन विल बी द कॉमन एलिमेंट्स, आ जाएगा 7 9 11। इट्स आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, इफ ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ एन इवन नेचुरल नंबर, सी इज इक्वल टू ऑड नेचुरल नंबर, और डी इज इक्वल टू प्राइम नंबर। ओके, तो सबसे पहले इनको हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि हमें सब कुछ निकालने में आसानी हो जाए। अब हमें बोला गया है ए एक सेट है जो कि नेचुरल नंबर का सेट है, तो ए सेट इज 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ओके, बी एक सेट है जो कि इवन नेचुरल नंबर का सेट है, इवन नेचुरल नंबर का सेट है, तो बी इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। सी जो नेचुरल नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर का सेट है। ओके, ऑड नेचुरल नंबर का सेट है, तो ऑड नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे आपके, 1 3
5, 7, 9 और डी एक सेट है जो कि प्राइम नंबर का है। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद के टेबल में आते हैं, खुद से ही डिवाइड हो सकते हैं। तो सबसे पहला प्राइम नंबर तो हमारा 2 हो जाएगा। याद रखे, 1 एक प्राइम नंबर नहीं है और ना ही वो कंपोजिट नंबर है। तो आ जाएगा आपका 2, 2 के बाद 3, 5, 7, 11 सो ऑन। ठीक है, अब इसके भी हमें कुछ करना है, पार्ट्स सारे तो नहीं करेंगे हम, कुछ कर लेते हैं हम इसके। एक यूनियन वाला सारे इंटरसेक्शन निकालना है, यूनियन कोई सा भी नहीं निकालना है हमें इसमें। तो इसका एक मैं कर लेता हूँ 5th पार्ट और एक कर लेते हैं हम 6th पार्ट, क्या लगता है? तो एक काम करते हैं, 5th पार्ट कर लेते हैं पहले, बी इंटरसेक्शन डी हमें फाइंड करना है। तो व्हाट विल बी द बी इंटरसेक्शन डी? यही तो 2 कॉमन है बस, उसके अलावा तो मुझे कोई कॉमन इसमें नहीं लग रहा है। तो आ जाएगा इसमें ओनली 2। 6, सी इंटरसेक्शन डी, व्हाट विल बी द सी इंटरसेक्शन डी? तो सी इंटरसेक्शन डी विल बी, व्हाट विल बी द कॉमन, व्हाट आर द कॉमन एलिमेंट्स इन सी एंड डी? तो द कॉमन एलिमेंट्स आर दिस 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 एंड अप टू सो ऑन, आगे तक जाएंगे। 3, 5, 7, 9 नहीं है, 11 ऑड भी है और नेचुरल और प्राइम भी है 11, एंड दिस एलिमेंट दिस सेट नेवर एंड अप टू इन्फिनिटी। ओके, तो ये हो जाएगा आपका यह वाला पार्ट। 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट? अच्छा, डिसजॉइंट सेट के बारे में मैंने आपको नहीं बताया होगा, लेकिन है भी इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मतलब इतना ज़्यादा हेवी कंसेप्ट नहीं है कि उसको अलग से हम बताएं। तो डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जिनका एक दूसरे से कोई जॉइंट ना हो, कोई मिलन ना हो, कोई भी जो है रिलेशनशिप ना हो, हम कह सकते हैं कोई भी एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट से एक भी एलिमेंट मैच ना करता हो, इनको डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक सेट बनाया ए बी सी डी, एक सेट बनाया ई एफ जी। अब इसका एलिमेंट एक भी इसमें नहीं है, दोनों में से किसी में भी एक दूसरे के एलिमेंट आपको नहीं मिलेंगे। ओके, मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो दीज टू सेट्स विच वी कैन कॉल्ड द डिसजॉइंट सेट्स। ओके, तो डिसजॉइंट सेट का इतना सिंपल सा कंसेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि डिसजॉइंट सेट कौन से हैं हमें पता लगाना है इसमें। ओके, तो पहला दिया 1, 2, 3, 4, दूसरा दिया है, मतलब हमें पता लगाना है कि ये दोनों डिसजॉइंट है या जॉइंट है। नेचुरल नंबर एंड 4 से लेकर 6 तक नेचुरल नंबर है। तो इसका पहला पार्ट जो है हमें दिया हुआ है 1, 2, 3 एंड 4, और हमें दिया x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है, और 4 से 6 के बीच में हम नेचुरल नंबर 4, 5, 6 ही आ जाएंगे। तो दीज सेट, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट इट? आर दे डिसजॉइंट सेट और जॉइंट सेट? दे आर नॉट डिसजॉइंट सेट बिकॉज 4 इसमें भी और इसमें भी है, एक भी एलिमेंट नहीं रिपीट होना चाहिए दोनों में, एक भी एलिमेंट नहीं कॉमन होना चाहिए दोनों में, तो दोनों डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। तो ये तो डिसजॉइंट नहीं है। ओके, अब आप देख लेना, इसका लास्ट वाला भी करवा देता हूँ मैं, 3rd पार्ट, x सच दैट x इज इवन नंबर और ऑड नंबर। ओके, अब आप इवन नंबर को देखोगे तो आ जाएंगे आपके 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ऑड को देखोगे तो 1, 3, 5, 7 कोई मैच ही नहीं बनता है, दोनों में से कोई भी रिपीट तो होंगे ही नहीं, मतलब कॉमन होंगे ही नहीं, इवन और ऑड दोनों एक अलग ही अलग कहानी है दोनों की, तो ये डिसजॉइंट हो सकते हैं। तो ये डिसजॉइंट सेट्स हैं डेफिनेटली। 9th क्वेश्चन, ए इज इक्वल टू 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, बी इक्वल टू धिस, सी इक्वल टू धिस, डी इक्वल टू धिस,
फाइंड ए माइनस बी, बी माइनस ए माइनस सी, और ये सब निकालना है हमें। इसमें से कुछ पार्ट कर लें हम। माइनस के कंसेप्ट में मैंने क्या बताया था आपको कि माइनस के कंसेप्ट में क्या होता है कि हम जिस भी एलिमेंट को, जिस भी सेट को माइनस कर रहे हैं, जिस भी पहले सेट में से जिस भी सेट को माइनस कर रहे हैं उसके एलिमेंट तो लिखे ही नहीं जाएंगे। अब आप देख रहे हैं ए बी सी और डी चार सेट दिए हुए, मैं यहाँ नहीं लिखूँगा वक्त को बचाने के लिए। इसमें से कुछ पार्ट मैं कर देता हूँ। एक तो हम कर लेते हैं बीच वाला सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में हमें बोला गया है डी माइनस ए निकालना है, डी माइनस ए निकालना है। तो डी सेट है हमारे पास 5, 10, 15, 20। ए सेट है हमारे पास 3, 6, 9, मतलब 3 का टेबल। तो इसमें डी में से हमें वो निकाल लेना है, वो बाहर निकाल लेना है जो ए में है, ए में रिपीट हो रहा है। तो 15 ही एक ऐसा नंबर है जो ए में रिपीट हो रहा है। तो इसमें d माइनस ए क्या हो जाएगा हमारे पास 5, 10 और 20। और कुछ तो मेरे ख्याल से रिपीट नहीं हो रहा है। जी हाँ, अब लास्ट कर लेते हैं हम इसका, लास्ट कर लेते हैं। अब हमें निकालना है d माइनस सी। ठीक है, d में से c को निकालना है। ओके, तो d में से c को माइनस करना है। तो c में कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो d में हैं? तो एक तो 10 दिख रहा है मुझे बस, उसके अलावा कोई भी नंबर नहीं दिख रहा है। तो 10 को गायब कर दो इसमें से, और बाकी बचे हुए 5, 15 और 20 आ जाएंगे। ओके, आ जाना चाहिए आपको समझ में। बाकी सब क्वेश्चन बचे हुए उन सब की प्रैक्टिस करो आप। 10th क्वेश्चन, एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी, वाई इक्वल टू एफ डी एफ बी डी जी, फाइंड। ये भी आप निकाल सकते हैं, इसमें भी हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है, थोड़ा सा थेरेटिकल है। इफ़ आर इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड क्यू इज़ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, देन वाट इज इक्वल टू आर माइनस क्यू। ठीक है, आर एक रियल नंबर है और क्यू एक रैशनल नंबर है। ओके, समझना अच्छे से, रियल और रैशनल आपको समझ में आता होगा, वैसे बहुत सिंपल है ये, है ना। अब हम कर लेते हैं यहाँ पर आर जो है, ओके, सारे ही रियल नंबर्स हैं, सारे ही रियल नंबर्स हैं, और क्यू जो है वो रैशनल है। अब आपको पता है रियल नंबर में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, रैशनल प्लस इरेशनल। ओके, तो रियल क्या होते हैं, रैशनल प्लस इरेशनल। ओके, और क्यू इज इक्वल टू सिर्फ रैशनल नंबर हमें दिया हुआ है, और हमें पूछा गया है कि r माइनस क्यू क्या होगा। तो r में से q को घटा दो, q वाले सारे एलिमेंट हटा दो, तो क्या बचेगा, r माइनस क्यू विल बी इक्वल टू इरेशनल नंबर बचेगा। तो द फाइनल आंसर इज इरेशनल नंबर्स। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अब स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अरे ट्रू और फॉल्स है, इसको तो आप ही कर लो। 2, 3, 4, 5 और 3 और 6 ये डिसजॉइंट है, नहीं हो सकते हैं। 3 रिपीट हो चुका है इसमें, ए ई आई ओ यू ए बी सी डी, ये भी नहीं हो सकते हैं। ए रिपीट हो चुका है, 2, 4, 6, 2, 6, 10, 14 और ये हो सकते हैं बिल्कुल, एक भी रिपीटेड नहीं है। ओके, 2, 6, 10 और 3, 7, 11 यह भी रिपीटेड, मतलब कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट हो सकते हैं। तो आप बताइए कमेंट में कि ये तरीका कैसा लगा, इस वे में हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मुझे तो बेस्ट तरीका लगा है ये, इसको हमें इसी वे में कर लेना चाहिए, और इससे हमारा टाइम भी बचेगा और कोर्स भी जल्दी हो पाएगा, और आप भी प्रोडक्टिव वे में अच्छे से एक्सरसाइज को कंप्लीट कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।